नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं आ जाऊँ पूर्णागिरी मंदिर में। पूर्णागिरी मंदिर के बारे में आपको क्या बताऊँ, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, जब शिव शंकर भोलेनाथ सती माता को अपने कंधे पर उठा के लेके जा रहे थे, तब उनके शरीर के विभिन्न हिस्से हो गए थे और टूट टूट के पृथ्वी पर गिर रहे थे। उनका जो नाभि का हिस्सा है वो टूट कर यहाँ गिरे था पूर्णा पहाड़ी पर, इसलिए इसका नाम पूर्णागिरी के नाम से जाना जाता है। ये चीन, तिब्बत और नेपाल की पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है। जहाँ जहाँ उनके सती माता के शरीर के हिस्से हुए वहाँ पे सिद्धिपीठ बने, 108 बने थे, उनमें से ये एक है पूर्णागिरी माता। तो शिव शंकर के उनके साथ बहुत सी बातें ऐसी जुड़ी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अंदर से दर्शन कराए माता जी के, वेलकम बैक दोस्तों। सुबह हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे धुंध कितनी हो रही है, ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आज हम जा रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर जो उत्तराखंड में पड़ता है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब मेरे तो हाथ भी सुन्न हो रहे हैं। हम इस टाइम खड़े हैं चक्रपुर के स्टेशन पे, चक्रपुर खटीमा से आगे चक्रपुर नाम का स्टेशन पड़ता है छोटा सा, यहाँ हम खड़े हैं। यहाँ आके हमारी ट्रेन रुकेगी और ट्रेन जाएगी पूर्णागिरी मंदिर लेके जाएंगे आज आपको। ठंड बहुत ही ज़्यादा, ठंड में जाना पड़ रहा है। धूप होती तो अच्छी तरह नज़र आता आपको, पर धुंध हो रही है तो इस बात के लिए सॉरी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि टाइम यही है जाने का, इसके बाद मुझे वापस भी जाना है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको जल्दी से पूर्णागिरी मंदिर। ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मेरे साथ दो भाई और हैं, वो टिकट काउंटर पे हैं, मेरे मौसा जी के लड़के, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के ट्रेन आएगी फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, बनबसा नाम के स्टेशन पे ट्रेन रुकी है, टकरपुर से हम चले गए। सबके सामने नहीं बता सकता एक जरूरी बात, हमने बिना टिकट के इसमें चढ़े हैं, हमारे पास टिकट नहीं है और हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा यहाँ पे पूर्णागिरी तक पहुँचने में। टकरपुर से जैसे हम बैठे और वैसे थोड़ी सी आगे जाके बनबसा नाम के स्टेशन पर रुकी है, करीबन 5 किलोमीटर की दूरी होगी। इसलिए मैं बीच में आप वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भीड़ थी, एकदम से उतर रहे थे लोग। अभी खाली हुई है ट्रेन, हम चले हैं, रुकी भी है स्टेशन पे। स्टेशन तो दोस्तों चाय चल रही है, घर से लेके आए थे हम चाय, चाय पी रहे ट्रेन में बैठ के। ये अमीन मौसी के लड़के, आपसे मिलवा दें आप। ये भाई हैं विक्की भैया और ये है कमलेश भाई, तो कर दो यार ब्लॉग में डाल। उतर गए दोस्तों हम, अब बाहर से टकरपुर उतरे हैं हम। टकरपुर से हमें गाड़ी पकड़नी पड़ेगी पूर्णागिरी की, तो ट्रेन ये रही हमारी, आते हुए सी ट्रेन में आना है। अब मिलते हैं गाड़ी पकड़ के कोई सी, अभी हमें फिलहाल टकरपुर में। तो मिलते हैं दोस्तों गाड़ी पकड़ के पूर्णागिरी की, देखते हैं मैक्सी कैब में जाएंगे कैसे जाएंगे, बाकी सब ये जा रहे हैं। दिख रहा है ना बोर्ड, आ जाओ
बस कंदमूल है। कौन सा फल है? कंदमूल। कंदमूल फल, आम फल जो श्री भगवान राम ने खाया वो फल। अच्छा, ये बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, कितना बड़ा है? इतने बड़े बड़े गिल्टे होते हैं इनके। कंदमूल। और ये क्या चीज है? हिंग है, हिंग। उसे लो, उसे लो। हाँ हाँ, फल है भाई मेरे वो। एक कंदमूल है, इसे खा के देख। बड़ा मीठा है तो यार, शायद से मीठा। शायद से भी मीठा फल है दोस्तों कंदमूल। कितना बड़ा बड़ा पहाड़ी में मिलता है, बहुत मीठा है। मुंह मीठा हो गया एकदम। घोड़ी सवारी करने के लिए आए? गधे लेके जाते हैं, गधे। दोस्तों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ऊपर चढ़ रहे थे। जहाँ से हमने गाड़ी छोड़ी वहाँ से ऊपर मंदिर का रास्ता 1.5 घंटे का है पूरे, पैदल पैदल ही। बहुत ज़्यादा थक गए, चाय पीने के लिए रुके हैं। मंदिर थोड़ा ऊपर हो रहा है, 15-20 मिनट का वो रास्ता रह गया। हालत बहुत ही बुरी हो गई, थक गए, बिल्कुल चढ़ा नहीं जा रहा, टांगे भी दर्द कर रही हैं। पूरे 1.5 घंटे का रास्ता था, टाइम तो मैंने देखा नहीं कितना हुआ। बाकी मज़ा आ रहा था चढ़ने में, पता नहीं चल रहा था कहाँ पहुँच गए। ऊपर से प्रसाद वगैरह लेंगे फिर चलेंगे ऊपर की ओर। अभी यहाँ रुके हैं दोस्तों, मैक्सी कैब में हम आए थे। कैसे आए, कितने रुपए टिकट लगी, ये मैं आपको बाद में डिटेल दूंगा। अभी फिलहाल माता जी के दर्शन करके वापस आते हैं। वापसी में आपको सब डिटेल दूंगा, कैसे आप आ सकते हैं, कहाँ से आप आ सकते हैं, कितना कितना किराया पड़ेगा और कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो चाय पी के भी मिलती है मेरा आपसे। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं दोस्तों आगे, थोड़ी और दूरी पे है, थक गया। प्रसाद ले लिया हमने, 50 रुपये का है। बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों ऊपर चढ़ने में। थोड़ी और दूरी पे 1.5 घंटे का रास्ता था पूरा नीचे से ऊपर तक का। प्रसाद भी ले लिया, थक गया बहुत बुरी तरह। अभी थोड़ा और ऊपर जाना, बहुत ऊंचाई पे। पहाड़ों में है पूनागिरी माता भी, चंपावत डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। कितने बड़े बड़े पहाड़ भाई, भाई आज साइन नहीं। यहाँ से लाइन शुरू है दोस्तों, यहाँ से हम लाइन में लगेंगे और माता तक पहुँचेंगे। बहुत ही ऊंचाई पे है, उधर नेपाल पड़ जाता है, इधर लोहा भी इतना ठंडा हाथ रहा, कितना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, वो भी लाल हो चुका है। सामने नेपाल है, पूनागिरी माता की। हाँ
बादल लग रहे हैं क्या वो नीचे? टाइम लग बहुत ही ऊंचाई पे खड़े हैं दोस्तों, पूर्णागिरी मंदिर के सामने पहाड़ है और नीचे बादल लग रहे हैं, ये देखिए। कैक्टस है यहाँ का, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ऊंचाई पे हम माता जी के सामने देखिए है, नीचे नदी है, शारदा नदी है ना, शारदा ही रिवर चल रही है पूरे टीमों में। सामने बादल लग रहे हैं, देखो जमीन पहाड़ों पे बादल लग रहे हैं, हम इतनी ऊंचाई पे हैं, हम बादलों से ऊंचाई पे हैं अभी बैठा है यहाँ पे। बंदर बहुत ही ज़्यादा है, बंदर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बंदर से सावधान रहना अभी आप होगे तो। यहाँ से क्यों गिरे, कहाँ जाएगा नदी में? दोस्तों हम रुके हैं माता के दर्शन करने के बाद, आते हुए रास्ते में कोल्ड ड्रिंक और खाना, थोड़ा खाना खाने क्योंकि खाली पेट निकले हुए थे, बहुत दिन भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब मानो 5 बजे उठ के नहाया था मैं, 5 बजे उठ के नहा के नहा के आना होता है खाली पेट एकदम, तो अभी हम यहाँ पे खाना वाना खाएंगे। ये रास्ता है ऊपर चढ़ने का, मिली है कौन, कितने की मिली? 50 रुपये जी, इन्हें 10 रुपये लगाई GST। और यहाँ पहुंचे थे, इंद्र भवन के नाम के ऊपर धर्मशाला शुरू होती है, वहां सो सकते हो और रात को नहा सकते हो अगर आप दूर जाते हो पूर्णागिरी मंदिर में। चढ़ाई बहुत ही ऊंची है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे बिल्कुल, टांगों की तो बैंड बच चुकी है। बंदर बहुत ज्यादा, दोस्तों पूर्णागिरी मंदिर जो माता जी है उत्तराखंड में पड़ते हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही माने जाने वाली माता है, बहुत ही धार्मिक स्थल स्थल है, यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये भी देखिए आप, तो दोस्तों चाय वगैरह तो 10-20 रुपये की आपको मिल जाएगी, खाने की थाली 50-60 रुपये की मिल जाएगी। पूर्णागिरी मंदिर के बारे में आपको बताऊँ तो पूर्णागिरी मंदिर दोस्तों चंपावत जिले में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टनकपुर से 19 किलोमीटर दूर है। इसकी चारों तरफ जो पहाड़ियाँ आपको मैंने दिखाई ये सब तिब्बत नेपाल और चीन की पहाड़ियों से घिरा हुआ बीच में मंदिर है। माँ पूर्णागिरी 108 शक्तिपीठ होते हैं जो हमारे 108 शक्तिपीठ सिद्धिपीठ भी बोल सकते हैं इसको, उनमें से एक है, 108 सिद्धिपीठ में से एक है हमारी पूर्णागिरी माँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों इसका, बहुत ही पुराना है माँ पूर्णागिरी का, इसकी जो हम ऊंचाई पे मैंने आपको दिखाया था वो कम से कम 3000 फीट की ऊंचाई पे है, 3000 फीट की ऊंचाई पे माता की मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दोस्तों यहाँ का। करो करो यार, क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्यों खड़े हो साइड में, यहाँ बैठ जाते, चलो
डरना नहीं यार, मैं डरता हूँ, डराने की तो खड़े क्या मेरे को भाव करके डराओगे। अबे बड़े धीरे धीरे चल रहा है। बस हो गया, पहुंच गए।